92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। थोड़े ही दिन रह गए नवरात्रों में, माँ आने वाली है। जब माँ आती है तो अपने साथ बुद्धि शक्ति संपत्ति धन आरोग्य संपदा सब कुछ लेकर आती है। वो कभी महाकाली स्वरूप होती है, वो कभी महालक्ष्मी स्वरूप होती है, तो कभी महासरस्वती स्वरूप होती है। ये तीनों त्रिशक्तियाँ आपके अंगों में निवास करती हैं, विभिन्न आदतें बनकर विभिन्न रूप में। हाड़ मांस रक्त से बना हुआ ये शरीर माँ का प्रतिबिंब होता है। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सबके साथ माँ की शक्ति का एहसास दिलाते हुए शुक्रवार के दिन, आज माँ का दिन है, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग सुप्रभात। ये दिन, ये मंगलमय सुबह आपके लिए बहुत सारा ऐश्वर्य सुख संपदा लेकर आए, ऐसी मेरी मनोकामना। आज 17/3/2017 शुक्रवार है। आज चंद्रमा तुला राशि में रात्रि 8:35 तक फिर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में देर रात तक चले जाएंगे और बुध फाइनली उदय हो जाएंगे। तो बुध के उदय होने से कन्या राशि और मिथुन राशि वालों को बहुत फर्क पड़ेगा, अच्छा वाला। आज के मुहूर्त सुबह 8:18 से लेकर 9:48 तक है लाभ। सुबह 9:48 से लेकर सुबह 11:17 तक है अमृत और दोपहर 12:47 से लेकर दोपहर 2:16 तक है शुभ। आती हूँ थोड़ी देर में और आपको बताऊंगी मैं राशि भविष्य मेष से लेकर मीन राशि तक का। आज बताऊंगी कि आप सबकी हेल्थ कैसे रहेगी इन दिनों, तो बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। जब दुर्गा सप्तशती में माँ को आवाहन किया जाता है तो कई प्रकार के मंत्रों से करते हैं, उसमें से ये वाला भी एक मशहूर है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, मतलब के कर्म करने से फल की प्राप्ति किसी न किसी रूप में हो ही जाती है, धोखा नहीं मिलता आपको। मैं कामिनी खन्ना इस मंगलमय सुबह में, इस प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? आप चाय वाय पी ली क्या? आज मैं आपकी हेल्थ के विषय में बताऊंगी। मेष राशि के लिए इन दिनों इनकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बनने के बाद भी इनके मन में शंका कुशंका है। इनको लगता है कि और भी कुछ अच्छा हो सकता था। हाँ, जरूर अच्छा हो सकता है, बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए आपको। और फिलहाल तो मुझे आप एकदम टनाटन नजर आते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी हेल्थ। हाँ, आपकी मानसिक हेल्थ ठीक नहीं है, शारीरिक हेल्थ ठीक है, उसके लिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य के जाप करने चाहिए, गायत्री के जाप करने चाहिए। वृषभ राशि के लिए इन दिनों इनकी हेल्थ खराब है, इनको बहुत सारा वायु तत्व मतलब के गैस और एसिडिटी सब बातों की परेशानी है, स्नायु की परेशानी है, कमर दर्द की परेशानी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एसिडिटी की वजह से इनकी सोच भी बिगड़ी हुई है। और वैसे बताऊं तो इनका मानसिक जो स्तर है वो भी अजीब सा हुआ है। ये अपने आप को साधुत्व की ओर ले जाना चाहते हैं लेकिन ये होता नहीं क्योंकि ये कल्पक बुद्धि है और इनको व्यवसाय अच्छा लगता है। मिथुन राशि के लिए इनकी हेल्थ अब थोड़ी सी डामाडोल तो है लेकिन इनको विश्वास बहुत आ गया है, इनके विचार बड़े तगड़े हो गए हैं क्योंकि इनके विचारों का स्वामी जो शुक्र है वो उच्च का होकर भी बैठा है इन दिनों, और अभी तो वो अस्त हो जाएगा, वक्री भी हो गया, लेकिन इन सब स्थिति से इनको माँ की आराधना बचाती है। कर्क राशि के लिए
हेल्थ अच्छी नहीं चल रही केतु के वजह से, अगर कोई पेट में कोई भी किसी भी तरह की अथड़ी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप चेकअप करवाइए, और अगर कोई संदेह भी है आपको किसी प्रकार का तो वो भी आप संदेह को मन से निकाल दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि भ्रमित करती हैं आपको बीमारियां, और अगर आपको कोई बीमारी भ्रमित कर रही है तो उससे बचने का एक और सरल उपाय है, आप कर सकते हैं शिव जी की पूजा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इन दिनों इनकी तबीयत ठीक नहीं, वैसे ये स्वभाव से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लेकिन इन दिनों 7-8 महीने से लग्न में राहु की वजह से ये परेशान हैं, इनकी पर्सनालिटी में दोष आया हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को मेंटेन करने में, बुद्धि भी बहुत ज़्यादा सोच रही, कर्मठ हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, हर बात को लेकर अड़ जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब स्थिति से आप निकले तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आजकल इनकी तबीयत जो है विपरीत ग्रह गुरु जो लग्न में बैठने की वजह से इनको पेट से रिलेटेड परेशानी, गुदा से रिलेटेड परेशानी, इनको हो सकती है तलवों से रिलेटेड परेशानी, गर्दन से रिलेटेड परेशानी, हो सकता है कोई ऐसे स्नायु से रिलेटेड परेशानी हो। इन दिनों ये काफ़ी स्वस्थ बने हुए हैं, जो पिछले गुरु के भ्रमण से ये परेशान थे, थोड़ी सी राहत आ गई है इनके जीवन में और ये काफ़ी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, हालांकि ये बेचैन भी बहुत हो गए थे, सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे थे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य एक अलग अंदाज में आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए, तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य इसी अंदाज में, तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। मेरी माँ जगदम्बा की कितनी भी स्तुति करो तो कम है, कहते हैं वो आद्य शक्ति है, कहते हैं कि वो देवताओं की भी माँ है, और देवताओं ने कई सारे अपने अस्त्र शस्त्र अपनी शक्तियां देकर माँ को उत्पन्न किया है, आइए उनकी स्तुति करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ध्येय एक कड़वा पौधा है जिस पर मीठे फल लगते हैं। अब ध्येय कड़वा क्यों होता है, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जब तक आप ध्येय पर पहुंचते हैं तब तक आपकी हिम्मत जो है वो टूट चुकी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके थक चुके होते हैं आप, लेकिन जब आपका ध्येय आपको मिल जाता है तो आप बहुत आनंदित हो जाते हैं। आज की सुबह में इसी आनंद को महसूस करने के लिए अपने ध्येय पर लग जाइए और अपने लक्ष्य पर लग कर कामिनी खन्ना को बताइए कि आपका लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं। गुड मॉर्निंग, चलिए जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य कि कैसे सबकी इनकी हेल्थ रहेगी। तुला राशि। तुला राशि के लिए इन दिनों इनकी हेल्थ अच्छी बनी हुई है लेकिन ये अपने विरोधियों की कारस्थानियों से परेशान होकर अपनी हेल्थ खराब करते हैं। वैसे बता दूं कि हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दिनों आपको, और भ्रमित ना हुए आप और काम करिए, आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपकी जो हेल्थ है वो इन दिनों अच्छी बनी हुई है लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपकी जो उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और आप जो हैं लगे पड़े हैं और उससे थक जाते हैं, टूट जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आप संयमी हैं, आप स्थिति से बाहर निकलेंगे। आपके लग्न का स्वामी मंगल इन दिनों उच्च का होकर षष्ठ में बैठा है जिस वजह से आपके विरोधी भी शांत हैं और मन में जो विरोधी होते हैं वो भी शांत है। धनु राशि। धनु राशि के लिए आपकी मानसिक हेल्थ बहुत अच्छी है, आप स्ट्रांग बन रहे हैं, आपको विचार सही आ रहे हैं, आप सही दिशा में प्रोसीड कर रहे हैं, और फिलहाल जो आपकी हेल्थ है वो शनि महाराज की वजह से बीच बीच में कभी आपको परेशानी पेट से रिलेटेड हो रही है, वायु से रिलेटेड हो रही है, कभी आपको गैसेज एसिडिटी के अटैक आ रहे हैं, तो स्नायु की भी कोई आपको दर्दें वर्दें भी होती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कर सकते हैं किसी गुरु की आराधना। मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी द्वादश में बैठकर आपकी तबीयत खराब करता है, इस बात से बचने के लिए आपको महाकाल या महाकाली की पूजा करनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि जो अष्टम में राहु बैठा है वो भी बहुत दिनों से आपको बीमारियों से लेकर भ्रमित करता है, बीमारी होती नहीं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये हो गया वो हो गया और आप परेशान हो जाते हैं। इस भ्रम से निकलने के लिए आप शिव जी की शरण में जाइए, एक लोटा जल में तिल डालकर चढ़ाइए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए थोड़ी सी हेल्थ की परेशानी इनको भी बनी हुई है और विपरीत ग्रह गुरु जो है इनका वो अष्टम में जाकर बन गया, उस वजह से इनको जो पैसे से रिलेटेड और जो खासकर परिवार से रिलेटेड जो सोच इतनी ज़्यादा सोच ली, उस वजह से सोच सोच के बीमार हो गई है, और सोचने से बहुत सारी बीमारी होती है ये बात समझ लीजिए आप,
और अभी तो वैसे सूर्य सरक के आगे, तो आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत जो सुधार आएगा उसको एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। मीन राशि, आपकी हेल्थ इन दिनों ठीक नहीं क्योंकि लग्न में विपरीत ग्रह बैठा हुआ है। हो सकता है आपको किसी स्नायु से रिलेटेड, धमनियों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ज़्यादा सोच पड़ सकती है अपने हेल्थ के लिए। अपने यात्रा पे अगर आप गए हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लग्न में सूर्य आपको आत्मबल देता है और आप स्थिति से बाहर निकलते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य एक अलग अंदाज में बता रही थी आपको मैं कि कैसे आपकी हेल्थ रहेगी इन दिनों। एक बहुत ही पुराना भजन है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। मनुष्य का मन ही हर विचार का दाता होता है और मनुष्य का मन ही विलन होता है और मनुष्य का मन ही जो होता है वो हीरो होता है। जब आपका मन कुछ गलत सोच लेता है तब विलन जाग जाता है अंदर, और जब आपका मन पॉजिटिव हो जाता है तो हीरो उस पर विजय पा लेता है। ये हीरो और विलन की लड़ाई में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बेहतर ये होगा कि अपने हीरो को जगा के रखिए अंदर के और आगे बढ़िए। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ एकदम सुबह सुबह आपको जगाते हुए, आपको पॉजिटिव करते हुए, आपके अंदर का हीरो और हीरोइन जगाते हुए। चलिए जानते हैं कि और कौन सी चीज़ है जो इजाफा कर सकती है आपके हेल्थ में। खरबूजा। अब ये खरबूजा जो है ये सीजन फ्रूट है, काफ़ी आता रहता है लेकिन आजकल तो पूरे साल ही मिलना शुरू हो गया है, पता नहीं कैसे। खरबूजा होता है वो ऊपर से पीला और अंदर से सफ़ेद, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, मीठा बड़ा होता है। मेरी माँ उस पर शक्कर डाल के खाती थी लेकिन शक्कर डालने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। विटामिन्स और मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं उसमें और ये डिनोट करता है गुरु और चंद्रमा को। गुरु चांदनी योग बनाता है, मतलब पेट को ठीक करता है। तो खरबूजा अगर आपके पेट को ठंडा करता है, सात्विक करता है तो कितना मज़ा आता होगा। कहते हैं कैंसर से बचाव होता है खरबूजा अगर आप खाएं तो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको खरबूजे के फायदे। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में और कोई सब्जी, फल या किचन की कोई चीज़ लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। मैं आशीर्वाद प्रार्थी भी रहती हूँ हमेशा आपकी। और लगातार हम लोग महालक्ष्मी की और माता की आराधना किए जा रहे हैं, और दिन को अच्छा बनाना है तो थोड़ा कमाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। दिमाग में घुसेगा पैसा और दिमाग में घुसेगा काम, और साथ साथ अगर लक्ष्मी माँ की आरती भी सुन लो तो हो सकता है माँ की कृपा हो जाए और माँ धन वर्षा कर दे आप पर। वैसे हर माँ को यही आशीर्वाद देना चाहिए अपने बच्चों को कि उनकी सद्बुद्धि कायम रहे ताकि धन वर्षा जब हो तो वो पैसे को बचा के रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड डे।